सपनों की दुनिया में खोने वाले व्यक्ति की कथा। पूरी दुनिया में हमें हमेशा डाउट ही दिखता रहता है। बहुत बार ऐसा भी फील होता है कि जो मैं देख रहा हूं वो सच में है या नहीं। हमको सभी चीजें इल्यूजन लगती है। शास्त्रों में एक सुंदर कथा आती है। एक व्यक्ति को एक यजमान सेठ ने गाय दी। उसने उस गाय को अपने घर पर बांधी। जैसे ही उसने उस गाय को बांधी, तभी से उसके बड़े बड़े सपने चालू हो गए। उसी बड़े बड़े ख्यालों को देखता हुआ वह सो गया और ऊपर सर के ऊपर उसने कोई चोरी न कर ले इस भाव से गाय का दूध दोया और दूध एक मटकी में भरकर लटका दिया। अब सपने में उसने देखा कि गाय का बहुत सारा दूध निकालकर वो बेचने गया है। दूध बेचकर उसने बहुत सारा धन कमा लिया है और उससे एक और गाय खरीदी। वापस से वही प्रोसेस दोहराया। ऐसा करते करते उसके पास अब 100 गाय हो गई है। समृद्धि बहुत बढ़ गई है। सद्भाग्य से पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी हो गए। बच्चे होने पर एक बार बहुत बड़ा धंधा करके वो थक हार कर वापस घर आ रहा था। बच्चे धमाल करने लगे और उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया। लाठी उठाकर वो बच्चों को मारने दौड़ा और अचानक लाठी से कुछ टकराया। व्यक्ति की नींद खुल गई। ऊपर लटकी हुई दूध की मटकी को लकड़ी लगने से वो मटकी फूट गई और दूध नीचे गिर रहा था। व्यक्ति ने अपने सपने की मूर्खता के लिए अपना सर कूटा। दूध ही नहीं रहा तो आगे तो क्या ही होगा। ठीक ऐसा ही बहुत बार हमारी बातों के लिए भी होता है। किसी एक चीज को हम ऐसा पकड़ लेते हैं कि उसकी इमारत, फिर चाहे वो सच हो या झूठ, चढ़ते चढ़ते हम वहां तक पहुंच जाते हैं कि हमने कहां से स्टार्ट किया था वह ही भूल जाते हैं, खो जाते हैं। इसीलिए श्री भगवती सूत्र में कहा है कि यदि आप जिन मत को स्वीकारते हैं तो व्यवहार और निश्चय के एंगल में कंफ्यूजन में मत खो जाओ। हमारे भ्रमण का मूल कारण भ्रम है, यह बात भूलने जैसी नहीं है। परमात्मा की आज्ञा पकड़कर भ्रमण से अथवा भटकने से बच सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।